श्री मोहनलाल बड़ोली जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया और मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार को भी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बैठे हैं कि मेरी विधानसभा के अंदर 16 रोड इसे किसान आंदोलन के बाद दोबारा से बढ़िया बनाने का काम किया है, अच्छे से रोड बने हैं। और अभी जो 25 करोड़ रुपए की रोडों की बात एस्टिमेट बना के 33 रोड मैंने अपनी सूची में दिए हैं, 47 किलोमीटर की लंबाई के वो रोड हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो बहुत सारे गांवों को उसका फायदा मिलेगा। सरकार से मांग है कि इस काम को जल्दी से प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का काम करें। और एक बहरा बाकीपुर से दहिसरा, जो बहुत सारे लोग उस रोड पर किसान आंदोलन के समय भी गए होंगे, वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है और उसका एस्टिमेट जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से बना है। मार्केटिंग बोर्ड के मंत्री जी से भी सरकार से निवेदन करूंगा कि उस रोड का जल्दी से एस्टिमेट पास करवा कर नारी से हलालपुर, राय से राठदाणा, मुरथल से नांगल खुर्द, बैरा से दहिसरा, ये 6 रोड सफियाबाद से सबोली और नाथूपुर से प्रीतमपुरा, ये 6 रोड मार्केटिंग बोर्ड के हैं। अगर वो रोड भी ठीक हो जाए तो राय विधानसभा में लोगों को आने जाने की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जब भी गांव में जाते हैं, ये जो राशन गरीब लोगों को दिया जाता है और उनकी डिमांड, उनकी मांग रहती है कि हमें राशन समय पर नहीं मिलता, जो विभाग की तरफ से ये राशन है 25 तारीख के बाद बाद उनको भेजने का काम करते हैं। जब लास्ट के 2 या 3 दिन रह जाते हैं उस समय वो राशन गांव में पहुंचता है और राशन डिपो वाले नेटवर्क की समस्या बता के या मशीन पर अंगूठा काम नहीं करता, इस प्रकार से वो अपनी शिकायत करते हैं और वो गरीब लोग राशन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में एक बड़ी सख्ताई के साथ डिपार्टमेंट को आदेश किए जाएं ताकि उन गरीब लोगों का हक उनको मिल जाए। और ये बहुत जरूरी मांग है। एक जब भी गांव में जाते हैं तो बहुत सारे गांव में बिजली के तार, जो गरीब लोगों को रहने के लिए 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे, वो जब प्लाट उनको दिए गए तो वो बिजली के तार हाई टेंशन के ट्रांसफार्मर पर जो लाइन जाती है वो लाइन पहले से खींची हुई है और वो गरीब लोग हैं, वो अपने खर्चे से तार नहीं हटवा सकते। मेरी मांग है, 3 वर्ष का समय विधायक बने हो गया, मेरी विधानसभा में सरकार के खर्चे से कोई भी लाइन अब तक हटाई नहीं गई है। तो 14 गांव की मैंने लिखित में डिपार्टमेंट को दी थी, सरकार को दी थी, उन 14 गांव की जो भी वो लाइनें हैं उनको हटवाने का जरूर काम करें। और मैं इतना सा ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।